गुड आफ्टरनून गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, दोपहर के भाई बज चुके हैं 1:30 और मैं अपना लंच लग चुका है। लंच में क्या बना वो दिखाते हैं आप सब लोगों को। भाई लंच में बना ही देखो, लहसुन की अपनी जयपुर की फेवरेट चटनी। तो भाई लहसुन की चटनी और ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ हैं। तो दो रोटी मेरी है, दो रोटी मम्मी की है। ये अपना बन चुका है लंच और अब बस अपन लंच कर लेते हैं और बताते हैं आप सब लोगों का टेस्ट कैसा है। बहुत दिनों के बाद बनवाई है मैंने रोटी और चटनी। गजब टेस्ट है, मजा आ गया। तीखी बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं, मजा आ गया। सुबह शाम हो चुकी है और अभी समय हो चुका है, 6 बज चुके हैं। ये देखिए 6 बज चुके हैं और बच्चे लोग नहीं है तो इसलिए आप सब लोगों को ना शोर की आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। बच्चे लोगों की, बच्चे लोग हैं अपने नाना जी के घर गए हुए हैं मिलने के लिए। हमारा घर भाई बहुत सोना हो रहा है। सो ये आजकल आप सब लोगों वीडियो में थोड़ा सा मेरा चेहरा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। कल भी मेरी प्रॉब्लम थी बट कल रात को थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी घर आते आते और वहाँ पे भी हो रही थी मुझे प्रॉब्लम, बट आज तो सुबह से ऐसी प्रॉब्लम। तभी तो मैंने वीडियो बहुत लेट स्टार्ट किया था आफ्टरनून में, फिर आफ्टरनून के बाद भाई इवनिंग में स्टार्ट किया है। अभी जस्ट 6 बज चुके हैं और चलते हैं नीचे, देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कर रहा है दिखाते हैं आप सब लोगों को। सुबह से एक तरफ ये दाल चढ़ रही है और दूसरे तरफ चावल बनाएगी शायद, उसका बनाएगी शायद, और इधर दाल चढ़ रही है। और भाई मेरा ये सब कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे मीठी फुल्ली खानी है। मेरा दलिया होता है ना वो खाने का मन है। तो बोलते थे मम्मी को, मम्मी बनाती है, कि मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कैसे ना कैसे करके तो ब्लॉग स्टार्ट किया है। बस मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख लगी थी और अभी समय हो चुका है 7:30 का। तो भाई मीठा दलिया अपना बन रहा है तो उसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो अपने ये भाई ये दाल चावल कंप्लीट हो चुके हैं तो भाई थोड़ा सा दाल चावल ट्राई करते हैं, खाते हैं भाई मज़े से। भूख लगी है बड़ी ज़ोरों से क्योंकि क्या दवाइयाँ चल रही है 2-4 दिनों से मेरे, तो मुझे क्या भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो पहले ट्राई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है भाई चावल अपने, बहुत गर्म है। देखिए टेस्ट है, दाल बहुत अच्छी बनी। 8:30 होने वाले हैं और भाई सब लोग खाना पीना अभी कर रहे हैं और भाई मेरी है ना ये बन चुकी है। भाई देखो मीठा दलिया अपना बन चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है देखो। तो भाई खाते हैं यार, मतलब है ना फोन के अंदर ना गाने की आवाज आ रही है, आप सब लोगों को आवाज आ जाएगी वैसे। तो भाई कुछ लगाना पड़ेगा मुझे और काफ़ी गर्म है भाई दलिया। तो ये एक बाइट मैंने बना लिया है मीठा दलिया। काफ़ी टेस्टी बना है यार, बहुत मन था मेरा मीठा दलिया खाने का। खाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने इधर आके वीडियो शूट किया है क्योंकि भाई उधर आवाज़ ना आ जाए, बट फिर भी आवाज़ आ रही है। इधर कमरे में शूट किया फिर भी गाने की आवाज़ आ रही है। ओ गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस सुबह के भाई बज चुके हैं 10 और अपना ब्रेकफास्ट रेडी है। ये देखिए ब्रेड है ब्राउनी वाली और साथ में चाय है। भाई 10 बज चुके हैं और भाई ब्रेकफास्ट करते हैं यार। सैंडविच बनाया ये किसने बनाया? मम्मा ने बनाया। ये लंच बॉक्स आप स्कूल के अंदर फिनिश नहीं करे यार। नहीं करे, देखो तो सही क्या अच्छा ये खिला रहे हो। देखो गाइस आप सब लोगों को खिला रहा है, देखो खा के देखो कैसा है बताओ। मस्त है, मस्त है, मस्त। तो गाइस अभी समय हो चुका है मैं 11:30 का और ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है और नहाते हैं भाई फिर
और कार्तिक स्कूल से आ चुका है। आते के साथ ही भाई ये ऐसे पूछता है कि चाचू कहाँ हो, चाचू कहाँ हो। इसको डर लगता है, तेरे को डर लगता है चाचू बाहर तो नहीं है कहीं, है ना, है ना? नहीं लगता, नहीं लगता। आप फिर ऐसे क्यों पूछते हो कि चाचू कहाँ हो, चाचू कहाँ हो? देखो सही, इधर इधर देखो पहले, ऐसे ऐसे क्यों पूछते हो फिर आप? ओची बुआ था है। ओची नहीं बुआ, कहाँ है? ओची बुआ घूमने गई। अब क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा, कितना क्यूट लग, देखो कितना क्यूट लग रहा है। ऐसे बोलो गाइस खा लो, गाइस खा लो, खा लो गाइस। कार्तिक देखो खेल से खेल रहा है। और गाइस अभी 12 बज चुके हैं और मेरे को जाना है भाई एक, क्या बोलते हैं उसको, मम्मी दुकान को क्या बोलते हैं, शॉप तो है। अभी जाएंगे ना, हाथ को लेके, हाथ का करवाना है पहलवान। क्या ताला लगाना सीख गया? ओके। तो गाइस मेरे को एक शॉप पे जाना है, मतलब कुछ महीनों पहले मेरे को जीजाजी भी लेकर गए थे, आप सब लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, व्हाइट कलर की जो पट्टी बंधी हुई होती है। तो मुझे अभी उसी दुकान पे जाना है, मम्मी ने और रोशनी ने मुझे बताया एड्रेस, तो चलते हुए पहली बारी जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं देखा वो मेरा हाथ ठीक करते हैं या नहीं करते, क्योंकि डॉक्टरों का भी मुझे इसमें लग नहीं रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और इस बात को 9 महीने हो चुके हैं, मेरे हाथ के जो प्रॉब्लम है ना पूरे 9 महीने हो चुके हैं, और नवंबर भी जाने वाला है, तो भाई दिसंबर से पूरे 9 महीने हो जाएंगे मुझे। तो चलते हैं शॉप पे और दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये जो भाई मुर्गे मुर्गे का जो ये हमारा ये घर है भाई, इसका तो मम्मी को मिल चुका है भाई, चाबी मिल चुकी है इस ताले की, बट इस वाले की चाबी नहीं मिली है। 2 दिन हो चुके हैं, तो इधर से हमें डालना पड़ता है खाना पीना जो भी है। तो मम्मी ने बोला है कि भाई ताला तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कब तक चलता रहेगा, चाबी मिल नहीं रही, खो गई है चाबी। तो देखते हैं तोड़ते हैं इसको। क्या ओके, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ी सी हेल्प कराओ, इधर जाओ। हाँ हाँ, ऐसे 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 रहना, ऐसे रहना, ठीक है। सो गाइस कार्तिक ने पकड़ रखा है भाई कैमरा। टूट गया बल्ले 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 बल्ले, टूट गया। ये देखो ये मेरे पैर पे गिर जाता। कार्तिक ने भाई मेरा शूट किया है ना कार्तिक, कैमरा पकड़ने लग गया तू, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे को। ये देखिए बाढ़ देखो, देखो अपना मुर्गा देखो कैसे बैठा है, देखो कुकड़ू। सुबह से आगे सफाई भी करनी है। हम लोग आ चुके हैं भाई, वो रहे सामने दुकान, तो भाई वहीं पे जाना है हाथ का इलाज करवाने। क्या करूं, क्या करूं, इसको फाड़ू? देखो कैसे बोलता है ये, देखो कैसे बोलता है, फाड़ो रे। सो गाइस ये पट्टी हो चुकी है भाई अपने हाथ की, ये देखिए। तो भैया ने जो जिन्होंने पट्टी की है उन्होंने बोला कि भाई 5 से 6 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो अभी नहाना करना नहीं, अगर नहाओगे तो हाथ को बचाना है, तो देखते हैं भाई। कल तो नहा लिया था मैंने, तो देखते हैं आज। 2 दिन मुझे निकालना पड़ेगा बिगन नहाए हुए, मुझे 2 दिन निकालना पड़ेगा, उसमें स्वेलिंग भी आएगी उन्होंने बोला है, स्वेलिंग भी आएगी, तो आप डरना मत, ठीक हो जाएगा ये। 5 से 7 दिन लगेंगे, और 5 दिन रखने को बोला है पट्टी को, जो पट्टी की है भैया ने वो 5 दिन रखने के लिए बोला है, फिर 5वें दिन ही पट्टी करवाएंगे संडे को। तो भाई आज हो गया है ट्यूजडे, संडे को जाना है पट्टी करवाने फिर से, तो देखते हैं भाई संडे तक देखा मेरा हाथ कैसा, मुझे कैसा फील होता है कि भाई ठीक हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है। जैसे ठीक होता है ना, मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं ना दूर हो जाएगी सच्ची, एक्सरसाइज कम हो चुकी है, सारी चीज़ें कम हो चुकी है मेरी। 2 बजने वाले हैं और खाना पीना अपन करते हैं, सैलेड में मैंने लिया है मूली,
और थोड़े से पास्ता। मम्मी गई है परी को लेना, जैसे मम्मी आ जाती है परी को लेके वैसे हम लोग खाना पीना करेंगे। और वीडियो का हम यहाँ एंड करते हैं, कैसा लगा वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।